अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाजरीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मालूमात जो हर मुसलमान को, हर हुसैनी मुसलमान को मालूम होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने दफन किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद होने के बाद उन्हें किसने तदफीन किया और कैसे क्या हुआ, ये सब मालूमात हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। 10 मुहर्रम को जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो औलादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफे और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां नवासियां कैद होकर बेवारिसों मददगार होकर चल रही हैं। फौज यजीद मलूनों के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहां पर बगैर सर के जमीने करबला पे ये मुकद्दस जिस्मात जो शहीदाने करबला के थे वो बिखरे पड़े थे। तारीख गवाह है कि बगैर कफन दफन के 3 दिन तक रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के खानदान के फूल, उनकी लाशें जमीने करबला पर बेगौर कफन बिखरी हुई थी। बस फिर 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, चलो अब हम चलकर नहरे फुरात से पानी भरकर ले आते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहरे फुरात से पानी भरने लगी तो उन्होंने देखा कि करबला की जमीन पर लाशें बिखरी हुई हैं। कहीं पर किसी का बाजू है तो कहीं पर किसी का जिस्म पड़ा है। बनी असद की औरतों ने जब ये आलम देखा और ये मंजर देखा तो वो रोते रोते अपने कबाइल के मर्दों के पास गईं और जाकर उन मर्दों से कहने लगी, ऐ रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस जमीन करबला पर रसूल पाक का खानदान था, शायद यजीद मलून की फौज ने उनको कत्ल कर दिया है। उनके जिस्म अभी भी यहीं पर बिखरे हुए हैं, उनके खयाम जले हुए हैं। आओ रसूल अल्लाह के इन खानदान के जिस्मों को हम तदफीन करते हैं। बनी असद के मर्दों ने कहा, क्या पागल हो गई हो तुम औरतें, यजीद ने उन्हें कत्ल किया है, अगर हम इनको तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद मलून हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा और तदफीन कर ही देगा। तो उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो, लेकिन उनके नवासे और बेटों के लिए ये मवद्दत रखते हो। क्या कहा था हमारे प्यारे रसूल अल्लाह ने कि मैं अजरे रिसालत तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मवद्दत करो, अगर तुम नहीं जाते तो मत जाओ, हम करेंगे रसूल अल्लाह के नवासे को तदफीन करने। बात जब यहाँ तक पहुंची तो उन्हीं बनी असद के मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो उन औरतों के साथ जमीने करबला आ पहुंचे। बस उनका जमीने करबला पहुंचना था तो उन्होंने वहां पर देखा कि किसी के जिस्म पर, किसी के तन पर सर नहीं है, किसी के बाजू कटे हुए हैं। आखिर किसको किस तरह से तदफीन करें? तो उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और सब जिस्मों को उसके अंदर ही तदफीन कर देते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी ही देर में मौजजे से एक घोड़े सवार वहां पर आ गया। उन लोगों ने समझा कि शायद कोई सिपाही आ गया है, तो इन लोगों ने उनसे पूछा, कौन हो आप? तो वो घोड़े सवार रोककर कहने लगा, मैं रसूल अल्लाह के नवासे का बेटा अली जैनुल आबदीन हूँ। उस जवान को देखकर सबकी आंखें भर आईं।
इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की हबा बिछाई और जमीन करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से उंगली मिलती है, कहीं से बाजू मिलता है, कहीं से आपके पैर मिलते हैं तो कहीं से कंधा मिलता है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़ों को इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की अबा में जमा करते हैं और एक जगह जमीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहां पहले से ही कब्र बनी हुई होती है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र में तदफीन करते हैं और उन्हीं के साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं और वहां जहां लोगों ने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था वहां दूसरे जिस्मों को तदफीन कर देते हैं और उस जगह को आज भी गंजे शहीदा कहा जाता है, जहां पर बाकी शहदाओं के जिस्म एक साथ दफन हैं। बस जब तमाम जिस्म तदफीन हो चुके तो किसी ने कहा, एक जिस्म रह गया है, एक कोई बूढ़े सहाबी हैं, इनको हमने तदफीन नहीं किया। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रोकर फरमाने लगे कि ये बूढ़ा शख्स हबीब इब्ने मज़ाहिर है। अल्लाह तबारक व ताला ये चाहता है कि इनका जिस्म ऐसी जगह दफन हो कि जहां जब भी कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो इनको सलाम करके आए। फिर आप हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को भी तदफीन कर दिया। जब सब लोग जाने लगे तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुको, अभी भी एक तदफीन होना बाकी है। लोगों ने कहा, अभी तो कुछ नजर नहीं आता। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ नहरे फुरात की तरफ। जैसे ही नहरे फुरात के करीब जाने लगे तो एक बाजू वहां पर नजर आया और थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरा बाजू पड़ा हुआ नजर आया। बस थोड़ा आगे ही चलना था तो जनाबे अबुल फजल अब्बास अलमदार का जिस्म मुबारक उनको नजर आया। जनाबे गाजी अब्बास अलमदार सरकार को उसी जगह पर तदफीन कर दिया गया जहां पर वो घोड़े की जीन से जमीन पर आए। आज भी कब्रे मुबारक अब्बास अलमदार और कब्रे मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे के आमने सामने है। सलाम हो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस मुबारक कुंबे पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के फर्जंद पर, सलाम हो उन शहीदों पर जिनके जिस्म 3 दिन तक बेगौरव कफन रहे, और सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जिन्होंने ये कुर्बानियां दी। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके तुफैल हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुनाजिन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो फिलहाल होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।